क्या ये इतने डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं आईफोन बाय कर लूँ। और जरूरी नहीं है कि हर फोन डिस्काउंट के साथ बाय करना सही हो। दोस्तों आज कुछ करेंगे हम अंदर की बातें, साथ में आपके कुछ क्वेश्चंस का मैंने आंसर भी दिया है इस वीडियो में। अब चक्कर यह है कि इस टाइम पे सेल का सीजन स्टार्ट हो चुका है, ऐसे में सबके माइंड में इतनी कंफ्यूजन है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कंफ्यूजन तो मैं दूर करूंगा ही आपकी, साथ में हम करेंगे कुछ अंदर की बातें। एक तो सेल को लेकर, सेल में यार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब गलती मत करना, बस मैं आपको इतनी बात कहना चाहूंगा। आपको यहाँ पर दिखाया कुछ जाएगा, एक्चुअल में कुछ और निकल के आएगा। अब क्या कैसे ऐसा बताता हूँ आपको। साथ में आप जानते हैं एप्पल ने न्यू इंट्रोड्यूस किया है अपना डायनेमिक आइलैंड डिस्प्ले। अगर आपको ऐसा डिस्प्ले, देखिए इस तरह का डिस्प्ले एंड्रॉयड में मिल जाए बहुत ही कम प्राइस पे, तो आपको कैसा लगेगा? और ये चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। कौन सा फोन है, क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको और बताता हूँ अंदर की बातें। Xiaomi Lite NE 5G आज के दिन में लेना चाहिए क्या? जी हाँ, 11 Lite NE 5G आज की डेट में भी स्ट्रॉन्ग फोन है। अगर आपको मिलता है 16-17 हज़ार के आसपास की रेंज में, इसको मैं एक इस रेंज का कंप्लीट पैकेज बोल सकता हूँ। ग्लास बिल्ड क्वालिटी, स्टीरियो स्पीकर, सुपर स्लिम और लाइट वेट डिज़ाइन और 778G 96 का रिफ्रेश रेट, परफेक्ट है पैकेज। कैमरा ही फोन का अच्छा है प्राइस के हिसाब से। सर Redmi Note 10 Pro लेना सही रहेगा या नहीं? अगर 15 से नीचे मिल रहा है तब आप देख सकते हैं ये फोन भी। 15 से नीचे अभी आपको जो फोन मिल रहे हैं वहाँ पर परफॉर्मेंस उतनी तगड़ी नहीं मिलती है जितनी कि यहाँ पर आपको दी जा रही है। मतलब ओवरऑल जो पैकेज आपको दिया जा रहा है, ग्लास बिल्ड क्वालिटी, एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 732G और स्टीरियो स्पीकर भी इस फोन में है, तो इसको मैं कंप्लीट पैकेज बोलूँगा। अगर आपको 13 तक मिल जाता है ना ये फोन, तो आप आके मंथली ले लो। अपडेट को लेकर माइंड में रखिएगा, अपडेट यहाँ पर आपको उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो Xiaomi पुराने फोनों को थोड़ा भूल जाता है, ये मैंने नोट किया बात। इस Motorola S30 Pro वर्थ 427K? जी हाँ, इस रेंज में ये फोन बिल्कुल वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है। इसकी USB आप जानते ही हैं, यहाँ पर सुपर क्लीन इंटरफेस है, एड्स ब्लॉकर का पंगा नहीं मिलता आपको। बहुत ही स्लिम और अच्छा डिजाइन है इस फोन का। 144Hz का रिफ्रेश रेट भी आपके यहाँ पर मिल जाएगा, तो देख सकते हैं आप। iQOO 9SE आज की डेट में लेना चाहिए? मुझे मिनिमम 3 साल तक फोन यूज करना है। आपकी प्रायोरिटी अच्छा प्रोसेसर, अच्छा कैमरा और बजट 30K तक। देखो 30,000 तक अगर आपको चाहिए फोन, तो iQOO 9SE एक अच्छा पैकेज तो है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप 2,000 और बढ़ा लेंगे ऑफर लगाकर, आपको S21 FE मिल रहा है कम प्राइस पे, वो उसके कंपेरिजन में बेटर ऑप्शन है। पर 30 के अंदर ही चाहिए तो ये फोन भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा Realme GT2 भी आपको 27 तक मिल जाएगा, वो भी एक अच्छा पैकेज है। इनमें से आप चूज कर सकते हैं, दोनों ही फोन स्ट्रॉन्ग है काफी। वॉन्ट टू बाय Redmi K50i? ट्रस्ट इशू है आपको मी पे। देखो Redmi K50i मैंने कई दिन यूज किया और मुझे फोन अच्छा लगा। बाकी ट्रस्ट की जहाँ तक बात है ना, चाहे वीवो हो, रियलमी हो या फिर Xiaomi हो, सब एक ही हैं। सबकी परमिशन वगैरह सेम होती है, बट कुछ सामने दिख जाती है, कुछ की परमिशन दिखती नहीं है। तो ये भी आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी आपको अलग से इनमें से किसी ब्रांड में नहीं मिल रही है। OnePlus तक आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा रहा अपने स्मार्टफोन्स में। तो Redmi K50i स्ट्रॉन्ग फोन, अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए ना 25 से कम में, MediaTek 8100 बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है, तो आखिर में ले सकते हैं आप गेमिंग के लिए ये फोन। हाँ, एमोलेड नहीं है, यहाँ पर IPS पैनल है, 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ। ये चीज़ भी आपको थोड़ा देखना होगा। अगर आपको एमोलेड चाहिए ना, तो पोको F5G ले लो, वो भी एक कंप्लीट पैकेज है। स्नैपड्रैगन 870 भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, ये बात आप सब जानते ही हैं। Realme GT2 Pro 12GB रैम वाला लेना सही रहेगा विभिन्न डेज में? देखो Realme GT2 Pro अच्छा फोन है, अगर हम 33,000 तक देखते हैं ना, 33-34 में जो मिल रहा है आपको ये ऑफर में, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप ले सकते हैं फोन। पर ज़्यादा इन्वेस्ट अब मत करना इस फोन पे, इतने तक तो ठीक है। अगर आपको ना 40 का या 50 का भी फोन ले लो, तब मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज उस रेंज में इस बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं मानता हूँ यहाँ पर 2K डिस्प्ले है, जो कि बाकी में नहीं दे रहे हैं 40 तक की रेंज में भी, बट फिर भी जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मैटर करती हैं। सिक्योरिटी हो, UI हो या फिर कैमरा हो, इससे बेटर मिल जाता है हमें थोड़े पैसे और डालकर। सैमसंग S20 FE 25K में मिलेगा और इसमें प्राइस पर लेना चाहिए या नहीं? S20 FE 5G मेरे अकॉर्डिंग तो 25 तक आना चाहिए, बट आएगा नहीं, थोड़ा इससे ऊपर ही रहेगा प्राइस। 30 के अंदर आने का पूरा चांस है, अब क्या रेट आता है वो कन्फर्म नहीं हूँ मैं। हाँ बिल्कुल लेना वर्थ है, आप देख सकते हैं, मतलब अगर आपको इसी रेंज पे फोन लेना है तो। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ में मैं न्यू वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पर आपको मैंने दिखाया है एक 4K स्मार्ट टीवी 43 इंच का, जो आप ले सकते हैं मतलब 30,000 से कम की रेंज में। सैमसंग का ये न्यू 4K टीवी है, उसकी वीडियो भी देखना आप मत भूलिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो चलिए साथ में कमेंट करके बताना मुझे कि अभी जो ये सेल आई है, ये सेल आपको कैसी लगी? अगर आप कंपेयर करते हैं Amazon और Flipkart की सेल को, तो दोनों में से कहाँ पर आपको बेस्ट डील देखने को मिल रही है आपके अकॉर्डिंग? आप कमेंट करो और बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करके हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। विच डील इज बेटर, 14,000 में पोको X4 प्रो, 13,000 में Realme 9 5G और 12,000 में F23 5G? अब देखा जाए तो ये तीनों ही डील्स अच्छी हैं। 14,000 में पोको X4 प्रो को बीट करना आसान नहीं है। स्नैपड्रैगन 695, एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, ग्लास बिल्ड क्वालिटी, स्टीरियो स्पीकर, इसको भी मैं कंप्लीट पैकेज बोल सकता हूँ।
लेकिन यूआई इस फोन का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफी यहाँ पर बग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। बस ये एक दिक्कत है, और ऐसी दिक्कत है जो आपको पूरी तरह से इरिटेट कर सकती है। भाई एनी कर्व डिस्प्ले फोन अंडर 30K फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल, देखो कर्व डिस्प्ले अभी आपको इस पर तो नहीं मिलने वाला, उसके लिए आपको 38,000 तक पे करने पड़ेंगे, 37,000-38,000 आपको मिल जाएगा। मोटो एज 30 फ्यूजन, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोन लगता है मुझे उस रेंज में, आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने वीडियो भी बनाई है इसकी, आप देख लेना, अल्ट्रा और फ्यूजन दोनों मैंने कवर करे हैं। वहाँ पर मुझे आपके काफ़ी कमेंट्स मिले थे कि ये फ़ोन कैसे बेस्ट हुआ इस रेंज में, इतनी फ़ोन की तारीफ क्यों कर रहे हो, क्या ये इससे बेटर ऑप्शन नहीं अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप ये लिस्ट देखते हैं ना, ये सारे फोन अभी आपको मिलते हैं अंडर 40,000 में। आप खुद बताओ ऐसा कौन सा फोन है जो आपको दे रहा हो कर्व डिस्प्ले, इतना स्लिम और लाइट वेट डिजाइन, सिक्योरिटी फोन में थिंकशील्ड सिक्योरिटी है, यहाँ पर 8K रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, कैमरा फोन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888+ है इस फोन में, जो कि हम सब जानते हैं अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी जो जो फीचर्स है मैंने वीडियो में बता रखे हैं वो आप चेक कर लेना। अब आप मुझे खुद बताओ कमेंट्स में, क्या आपको ये फोन 37-38 में मिल रहा है ये ऑफर लगाकर, इस रेंज में ओवर प्राइस फोन लग रहा है इसके फीचर्स के हिसाब से। और साथ में मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जो है मोटो एच 20 फ्यूजन था वो एक बिल्कुल अलग स्मार्टफोन था, हम ये नहीं कह सकते वो अगर लॉन्च हुआ था 21-22,000 का तो ये भी उस रेंज में लॉन्च किया जाएगा। इसमें ये एक फ्लैगशिप लॉन्च किया गया, फ्लैगशिप की आप बोल सकते हैं चाहे, वो था एक मिडिल सेगमेंट का फोन, ये सीरीज को मोटोरोला ने बिल्कुल अलग कर दिया है। अब मोटो एच 20 फ्यूजन की जगह पे कोई और सक्सेसर आएगा जिसका नाम थोड़ा अलग रहेगा, ये फोन भी आपको जल्दी मिलेगा देखने को, उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए बस, ये अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आने वाले फोन एक। एक्सपेक्टेड सेल प्राइस ऑफ नियो 6 24,999, ऐसा मुझे लग रहा है, आपको क्या लग रहा है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नोट 20 किस रेंज में लेना सही रहेगा, नोट 20 अगर आपको 26-27-28 इस रेंज में मिल रहा है तो सही रहेगा, फोन वन प्लस का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सर प्लीज़ वेरी कन्फ्यूज, वन प्लस 70 और आप अपग्रेड करना चाहते हैं, 40,000 तक आपका बजट है, आपको चाहिए गुड कैमरा। देखो 30,000-40,000 तक में आपको इस टाइम देखते हो मोटो एच 30 फ्यूजन मिल रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग है फोन, आप देख सकते हैं इसी जगह पे काफ़ी बड़ा अपग्रेड आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आपको आईकॉन यू 6 चाहिए तो भी आप देख सकते हैं, वो फोन आपको 30 का देखने को मिल रहा है। या फिर आप सैमसंग फोन चाहते हैं तो S21 FE 5G इस टाइम पे बेस्ट फोन है उस रेंज का। अगर आप आईफोन में जाना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा बजट और बढ़ाकर अगर आप लेते हैं ना आईफोन 13 तो वो भी ज़बरदस्त रहेगा, और आईफोन 12 अगर आपको चाहिए तो वो भी आने वाला है सेल में कुछ टाइम बाद, उसका प्राइस होगा मेरे अकॉर्डिंग 40,000 के आसपास, तो आईफोन के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। रेडमी K50i और पोको F4, रियलमी GT न्यू 3T आपकी प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस, डेली यूजेज, कैमरा, ये चीज़ें आपको चाहिए ना। मुझे लगता है पोको F4 आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोन है उस सेगमेंट का, और परफॉर्मेंस के मामले में तो K50i है ही, लेकिन अगर हम ओवरऑल एक ऑलराउंडर पैकेज ढूंढते हैं ना तो पोको F4 5G मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और जो रियलमी GT न्यू 3T है ये भी एक स्ट्रॉन्ग फोन है, बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कैमरा पर देखना पड़ेगा कहाँ स्टैंड करता है इसका। जल्दी आपको मैं वीडियो दूंगा इस फोन की, वहाँ पर हम अच्छे से बात करेंगे रियलमी GT न्यू 3T के बारे में। प्लीज शेयर योर व्यूज, सैमसंग S6 लाइट और 720G के साथ ये आपको मिल रहा है टैब, और मी पैड 5 जहाँ पर है स्नैपड्रैगन 860। देखो अगर मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ ना तो मी पैड 5 की मच बेटर है S6 लाइट के कंपेरिजन में, यहाँ पर आपको थोड़ा लैग वाला देखने को मिल सकता है, और साथ में जो सिक्योरिटी है वो आपको मिल रही है S6 लाइट में वहाँ पर नहीं है। मेन आप डिपेंड करते हैं आपका पर्पस क्या है टैब परचेज करने का, अगर आपका बिल्कुल नॉर्मल यूज़ है आपको बस क्लासेस लेने हैं ऑनलाइन या थोड़े बहुत काम करना है तब आपको सैमसंग में भी दिक्कत नहीं आएगी, बट ओवरऑल अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए टैब में या बेटर स्पेक्स चाहिए तो मी पैड 5 बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। सिक्योरिटी नहीं है ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। मोटो एस 30 फ्यूजन वर्सेस मोटो एस 30 अल्ट्रा विच इज मोर वैल्यू फॉर मनी फोन आप प्लान कर रहे हैं बाय करने का, देखो मुझे यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी लगता है मोटो एस 30 फ्यूजन, यहाँ पर आपको डिस्प्ले, बिल्ड, परफॉर्मेंस, साउंड क्वालिटी सब कुछ मस्त मिल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। बजट 55,000 है, बेस्ट डिस्प्ले, कैमरा, फोन चाहिए मोटो एस 30 अल्ट्रा और आईफोन 13। देखो आईफोन 13 तो आईफोन 13 है वो आप देख सकते हैं फोन, लेकिन वहाँ पर वही है ना कर्व डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा, अब आपको देखना होगा आपको एंड्रॉइड के साथ जाना है जहाँ पर ये सारे फीचर्स हैं या फिर आईफोन के साथ जाना है, मैं आपको यहाँ पर आईफोन 13 रिकमेंड करूँगा। हाई सर पिक्सल 6 से विल बी वैल्यू फॉर मनी इन अपकमिंग सेल, देखो पिक्सल 6 से अगर मिल रहा है ना आपको 25-26 तक, जी हाँ ये वैल्यू फॉर मनी फोन है, कैमरा यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगा, और फोन में प्रोसेसर भी नहीं आया, गूगल का ही प्रोसेसर था, तो इसको भी आप देख सकते हैं, रेंज ये मस्त है 26,000 तो मजा आ जाएगा आपको। विच फोन इज बेटर आईकॉन नियो 6 या रियलमी GT नियो 3T, आपकी प्रेफरेंस है कैमरा मल्टीमीडिया कंजम्पशन, देखो यार नियो 6 का कैमरा बहुत अच्छा है तो आप देख लो फ्लेक्सिबल लेवल का कैमरा आपको मिलता है वहाँ पर। टेक्नो फैंटम मैक्स डिजाइन शुड आई बाय और नॉट एंड प्राइस पॉइंट, अभी ये फोन जिस प्राइस पे मिल रहा है मुझे लगता है इसको कोई तगड़ा ऑफर आता ना तब मज़ा आता, यहाँ पर कोई ज़्यादा हमें ऑफर देखने को नहीं मिल रहा। अगर ये फोन आ गया ना 25 के अंदर
22 23 तब तो डिजाइन के लिए या फ्लैगशिप एक्सपीरियंस के लिए बाय करना बनता है ये फोन, देख लेना आप, बट 25 से ऊपर मजा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं, और भी काफी सारे क्वेश्चन थे जो मैं पार्ट वन में इस वीडियो के कवर कर चुका हूँ, वो वीडियो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अब करते हैं मेन मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ऐसी है, एक तो आपको जो फ्लिपकार्ट पे प्राइस दिखाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं, एमआरपी काट कर दिखाया जाता है डिस्काउंटेड प्राइस, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे कि ये एक फोन आप देख लो, क्या आपको इसका एमआरपी कभी इतना मिला था? जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब भी इसे काफी कम प्राइस पे था, और अब आपको ये और थोड़े कम प्राइस पे मिल रहा है। अब देखने में तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना में डिस्काउंट मिल चुका है किस किस फोन पे। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ये फोन देखो, ये सैमसंग गैलेक्सी F23 5G, इसका एमआरपी दिखा रखा है 23,000। अब ये जब फोन आया था ना तब 15,000 का ये फोन लॉन्च हुआ था इंडियन मार्केट में, बोला गया था कि ये बेस्ट बजट 5G फोन है सैमसंग की तरफ से। 23,000 का ये फोन कभी था ही नहीं, अभी आपको ये फोन मिल रहा है 11,000 का। ये मैं मानता हूँ अच्छा प्राइस है, बट एमआरपी और इसमें कितना डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर कट करके वो प्राइस लिखना चाहिए था जो प्राइस पे पहले ये फोन मिल रहा है। सेम चीज हमें देखने को मिल रही है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE की 5G के साथ भी, उसका तो प्राइस 70,000 से ऊपर कर दिया गया है, जबकि उतने का वो फोन कभी भी नहीं था। अब आपको फोन मिल रहा है 32,000 का 31999। हाँ, उस रेंज में अच्छा फोन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एमआरपी तो देख लो भाई क्या यहाँ पर लिखी जा रही है। पोको के साथ भी ऐसा ही है, पोको एक्सपोर्ट प्रो अब 14 का मिल रहा है और 23 का एमआरपी लिखा हुआ है, जबकि उतने का ये फोन आप जानते हैं कभी भी नहीं था। और जो भी आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है हर जगह पे एमआरपी के साथ ही कंपेयर करके दिखाया जाता है इस प्राइसिंग को, ये चीज मुझे थोड़ी गलत लगी है। ऐसे क्या होता है ना, कस्टमर के माइंड में कंफ्यूजन बैठ जाती है कि क्या ये इतने डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं ये फोन बाय कर लूं। और जरूरी नहीं है कि हर फोन डिस्काउंट के साथ बाय करना सही हो, इसके लिए मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूं कि डोंट बाय रॉन्ग फोन्स। काफी सारे फोन ऐसे हैं यहाँ पर जिनका हल्ला मच रहा है, पर वो फोन आपको अभी बाय नहीं करने हैं। तो ओवरऑल आपको वीडियो मिलेगी सेल के ऊपर, अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों के सभी मेन मेन फोन कवर किए जाएंगे, क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्या कंपैरिजन है किस फोन का किसके साथ, सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। मैं बस वेट कर रहा हूँ एक बार सारी सेल सब कुछ ओपन हो जाए, तब मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर रहा हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन है वीडियो को लेकर, किसी फोन को लेकर, कोई कंपैरिजन को लेकर, वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। पिक्सल 6 को लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले आपके कि ये फोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। सही बताऊं तो मुझे उतना मजा नहीं आया पिक्सल 6 से देखकर, जैसे हल्ला मचा हुआ था ना उतना ये फोन अच्छा नहीं लगा मुझे, जबकि पिक्सल के कैमरे का हर टाइम हल्ला होता था, कैमरा इसका बेस्ट रहता है, लेकिन इस टाइम पे कैमरा भी इसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। S21 FE 5G, iPhone 12, कई ऐसे कैमरास हैं सेगमेंट के जो इसको पूरी टक्कर क्या इससे आगे निकल के जा चुके हैं। मैंने वीडियो भी किया हुआ है कुणाल भाई के साथ टेकफोन मॉब से, आपको उस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा कि इसी पिक्सल 6 आपको लेना है या S21 FE 5G आपको लेना है, वो देखना आप मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैंने दे रखा है। और जहां तक आईफोन की बात है तो आईफोन को लेकर मुझे बहुत कमेंट्स मिल रहे हैं, आईफोन 12 का क्या किया जाए, और कुछ ऐसे भी कमेंट्स मिले थे कि पहले तो मैं रिकमेंड कर रहा था आईफोन 12, अब मैं कह रहा हूँ डोंट बाय। मैंने डोंट बाय नहीं कहा आपको आईफोन 12 के लिए, मुझे 12 फोन अच्छा लगता है आईफोन, बस मैंने आपको ये बोला है कि जब आपको थोड़े पैसे और डालकर मिल जाएगा आईफोन 13 तो आप 12 बाय क्यों करेंगे, और वहाँ पर 128GB स्टोरेज है और यहाँ पर 64GB स्टोरेज है, और ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, इसको आप इतना हल्के में मत लीजिएगा, बिकॉज अगर आप आईफोन खरीद रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म तक फोन को यूज़ करेंगे, तो ऐसे में 64GB सभी के लिए इनफ नहीं रहता। हाँ, अगर आप ऐसे यूजर हैं जिसको कोई दिक्कत नहीं है स्टोरेज के साथ, तब तो आंखें बंद करके ले लो, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा आईफोन 12 में। और इसकी प्राइसिंग को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है, स्क्रीनशॉट ये वाला सामने निकल के आ रहा है कि इसका प्राइस 40,000 से ऊपर रहेगा, लेकिन जो अमेजोन ने लगा रखा अपनी सीट पे वो 3 लिखकर XXX लगाया हुआ है। तो क्या ये फोन 40 से ऊपर आएगा? नहीं, आप ये फोन ऑफर लगाकर 40 से कम में या 40,000 में बाय कर पाएंगे, 3999 इस फोन का प्राइस हो सकता है, और आईफोन मिनी इससे भी 4-5 हज़ार आपको कम पे ही देखने को मिलेगा। आईफोन मिनी भी अच्छा फोन है, लेकिन वही है बैटरी में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, बैटरी बैकअप उसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा जितना कि होना चाहिए, साथ में आईफोन 12 उससे बेटर ऑप्शन है, तो थोड़े पैसे डालकर आईफोन 12 लेना ही समझदारी रहेगी आईफोन मिनी 12 मिनी के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं एक न्यू फोन के बारे में, जहां पर आपको एप्पल की तरह डायनेमिक आइलैंड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब देखो, शुरुआत तो एप्पल ने ही की है, अब आप कह सकते हैं एप्पल के ये लॉन्च करते ही बाकी ब्रांड भी इसको लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो डिस्प्ले है इस तरह आपको मिलेगा एंड्रॉइड में, ये एक शोमी का स्मार्टफोन है जो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, इस पर टेस्टिंग स्टार्ट हो चुके हैं। ये फोन रहेगा Redmi K60 और प्राइस भी इसका बहुत ही अग्रेसिव होगा इंडियन मार्केट में, हालांकि चाइना में ज़्यादा कम प्राइस होगा, इंडिया में थोड़ा बढ़ाया जाएगा प्राइस, बट फिर भी आपको अच्छी प्राइस में ये फोन मिलने वाला है इंडिया में। अब रियलमी भी जल्दी स्टार्टिंग कर देगा ऐसे डिस्प्ले को लॉन्च करने की, अब अच्छी बात है कुछ नया हमें देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड की मार्केट में भी, वो भी अच्छी प्राइसिंग पे। एप्पल में तो आप जानते ही हैं प्रो वेरिएंट में आपको मिल रहा है ये वाला ऑप्शन, और प्रो वेरिएंट हर कोई परचेज नहीं करेगा,
किडनी तो दो ही होती है ना, कितनी दोगे आप? ये क्या बात करता है यार। तो सस्ते आइलैंड के लिए वेट कीजिए, देखना होगा ये परफॉर्म कैसा करता है। यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है ना, कर्व डिस्प्ले वाला ये फोन है और परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी लग रही है दिखने में। तो बाकी क्या क्या यहाँ पर फीचर्स मिलेंगे, किसकी जगह पे ये काम करेगा, उसके लिए हमें भी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा इस फोन की भी, जैसे ये बाहर लॉन्च होगा ना मैं कोशिश करूंगा पहले आपको यहाँ पर वीडियो दे दूं इंडिया में फोन मंगवा कर। भाई और भी कुछ नए फोन है जो जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे अपकमिंग फोन्स की वीडियो में, उसका वेट जरूर कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।